हेलो फ्रेंड्स, हूँ अंकित गुप्ता। अंकित स्टडी एजुकेशन यूट्यूब चैनल में तमारू स्वागत करूँ छू। SY बीकॉम सेमेस्टर 3 सब्जेक्ट एकाउंटेंसी एंड टैक्सेशन ना पार्ट 3 में MCQ क्वेश्चन नंबर 76 थी जोईशू। नीचेना माहिती कोनो समावेश मूड़ी मिलकत में थतो नथी, तो तेनो साचो एंसर छे ग्राम में खेती जमीन। 77 नीचेनामांथी कोनो समावेश मूड़ी मिलकत में थाय छे, तो उपरोक्त बधा। क्वेश्चन नंबर 78 मूड़ी मिलकत में समावेश थतो नथी सिवाय के जवेरात। हवे क्वेश्चन नंबर 78 नीचेनामांथी कई मिलकतनी फेरबदलीने मूड़ी नफा तरीके ध्यान में लेवामां आवशे नहीं, तो साचो आंसर छे गोल्ड डिपोजिट बॉन्ड्स। हवे 79 बिन नोधायेली जमीनगीरीओ लांबा गाळानी मूड़ी मिलकत गणाय जो ते खाली जग्या करता वधारे समय माटे धारण करेल होय, तो तेनो साचो आंसर छे 24 मास। 80 बिन नोधायेली जमीनगीरीओ टूंका गाळानी मूड़ी मिलकत गणाय जो ते खाली जग्या करता ओछा समय माटे धारण करेल होय, तो तेनो साचो जवाब छे 24 मास। 81 नोधायेली जमीनगीरीओ टूंका गाळानी मूड़ी मिलकत गणाय जो ते खाली जग्या करता ओछा समय माटे धारण करेल होय, तेनो साचो जवाब छे 12 मास। हवे आगळ 82 नंबर नोधायेली जमीनगीरीओ लांबा गाळानी मूड़ी मिलकत गणाय जो ते खाली जग्या करता वधारे समय माटे धारण करेल होय 12 मास। हवे आगळ 83 स्थिर मिलकतो लांबा गाळानी मूड़ी मिलकत गणाय जो ते खाली जग्या करता वधारे समय माटे धारण करेल होय, साचो जवाब 24 मास। 84 स्थिर मिलकतो टूंका गाळानी मूड़ी मिलकत गणाय जो ते खाली जग्या करता ओछा समय माटे धारण करेल होय, तेनो साचो जवाब 24 मास। 85 स्थिर मूड़ी मिलकत में कोनो समावेश थाय छे, जमीन मकान बनने कोई नहीं, तो जमीन अने मकान बनने न। हवे आगळ 86 नंबर अन्य अस्थिर मिलकतों में कोनो समावेश थाय छे, तेनो साचो जवाब ऑप्शन नंबर सी बनने, एटले के जवेरात अने सोनू। 87 अन्य स्थिर मिलकतो लांबा गाळानी मूड़ी मिलकत गणाय जो ते खाली जग्या करता वधारे समय माटे धारण करेल होय, तो 36 मास। हवे आगळ 88 अन्य स्थिर मिलकतो टूंका गाळानी मूड़ी मिलकत गणाय जो ते खाली जग्या करता ओछा समय माटे धारण करेल होय, तेनो साचो जवाब 36 मास। 89 1/4/2001 पहला बोनस से धारण करवामां आव्यो होय ते तेनी पड़तर किंमत केटली गणाय छे, तेनो साचो जवाब छे 0। हवे आगळ क्वेश्चन नंबर 90 1/4/2001 पछी बोनस शेर धारण करवामां आव्यो होय तो तेनी पड़तर किंमत केटली, तो तेनो साचो जवाब 0। हवे 91 जो मूळ शेर तारीख 1/4/2001 पहला धारण करवामां आव्यो होय तो तेनी पड़तर किंमत केटली गणाय, तेनी पड़तर किंमत खरेखर पड़तर किंमत के ब्याज भी बाजार किंमत पैकी जे वधु होय ते। हवे आगळ 92 जो मूळ शेर तारीख 1/4/2001 पछी धारण करवामां आवेल होय तो पड़तर किंमत केटली, तो खरेखर खरीद किंमत। हवे आगळ 93 कई कलम मुजब UTI नी यूनिट स्कीम
1964 हेठ धारण करेल यूनिटनी तारीख 1/4/2002 के तैयार पछी फेरबदलीना परिणामे उद्भवतो मूड़ी नफो संपूर्ण पर करमुक्त गणाय। तो कलम 10-33-94 कई कलम में मुजब स्टॉक एक्सचेंज में नहीं नोधायल शेरों जे ते कंपनी द्वारा परत खरीदीना परिणाम शेर होल्डर थतो नफो संपूर्ण करमुक्त गणाय। कलम 10-34A कई कलम नी जोगवाई ने आधारे शहरी विस्तार में स्थित खेती नी जमीन नु फरजियात संपादन करवामां आव्यु होय तो तेने परिणामे SSC ने थतो नफो संपूर्ण पड़े करमुक्त गणाशे। कलम 10-37-96 कलम 10-37 नी जोगवाई नो लाभ कया प्रकारना करदाता ने मळवा पात्र छे तो व्यक्ति अने हिंदू अविभक्त कुटुंब बने। 97 कलम 10-37 नी जोगवाई नो लाभ कया प्रकारनी मूड़ी मिलकत माटे मळवा पात्र छे तो शहरी विस्तारनी खेतीनी जमीन। 98 रहेठाणना मकाननी फेरबदली थी उद्भवता मूड़ी नफा अंगे कर मुक्ति नी जोगवाई कई कलम हेठळ मळवा पात्र छे तो जवाब कलम 54। 99 रहेठाणना मकाननी फेरबदली थी उद्भवतो मूड़ी नफो कलम 54 हेठळ कर मुक्त गणाय जो ते लांबा गाळानो मूड़ी नफो होय। 100 कलम 54 हेठळ मूड़ी नफानी कर मुक्तिनो लाभ कोने मळवा पात्र छे तो जवाब 1 अने 2 बन्ने।